हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है उसको स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टार्ट किया था। अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने नर्मदा वैली प्रोजेक्ट को पढ़ लिया है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को पढ़ लिया है, उसके बाद हमने भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट को पढ़ा, उसके बाद हमने जो कावेरी रिवर पर जो शिव समुद्रम प्रोजेक्ट है, जो शिव समुद्रम डैम है उसके बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे नागार्जुन सागर डैम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागार्जुन सागर डैम और नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ एस्टेब्लिश्ड एट कृष्णा रिवर। जो नागार्जुन सागर डैम है इसको कृष्णा रिवर पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 1967 में और यह 1967 में कम्प्लीट होता है। नागार्जुन सागर डैम या फिर नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। द इरीगेशन फैसिलिटी हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू नालगोंडा और प्रकाशम, खम्माम एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट थ्रू दिस प्रोजेक्ट। द हाइट ऑफ नागार्जुन सागर डैम इज़ 124 मीटर। रिजर्वॉयर्स ऑफ नागार्जुन सागर डैम हैव द कैपेसिटी ऑफ वाटर स्टोरेज अप टू 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर। एज पर द प्रोजेक्ट, ए 1,550 मीटर लॉन्ग मैसूनरी डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, फ्रॉम नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इरीगेशन फैसिलिटी इज़ अवेलेबल फॉर 8.67 हेक्टेयर्स एरिया ऑफ लैंड इन आंध्र प्रदेश एंड 210 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड। द प्रोजेक्ट एक्सटेंड्स ओवर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। जो नागार्जुन सागर डैम है, जो नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर, कौन सी रिवर पे है। हमने अभी पढ़ा कि जो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है उसको कृष्णा रिवर पर बनाया गया है, ठीक है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट हैज़ बीन बिल्ट ऑन कृष्णा रिवर नियर नालगोंडा आंध्र प्रदेश। ए मैसोनरी डैम 1,550 मीटर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर द नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज एक्सपेंडेड इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ ऑन विच रिवर, वही कि कौन से रिवर पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को कृष्णा रिवर पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज़ ए मल्टीपर्पज़ स्कीम ऑन रिवर कृष्णा। द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 1967। द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट या फिर जो नागार्जुन सागर डैम है इज़ लोकेटेड नियर नालगोंडा विलेज एट द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। द प्रोजेक्ट दैट इज़ द नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स इरीगेशन टू नालगोंडा, खम्माम, कृष्णा, गुंटूर एंड प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, नागार्जुन सागर लाइज ऑन द, कहाँ पर नागार्जुन सागर, कौन सी रिवर पर है। नागार्जुन सागर लाइज ऑन द कृष्णा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, नागार्जुन सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच स्टेट ऑफ इंडिया। नागार्जुन सागर डैम कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे। तो यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश दिया गया है। हमने पढ़ा था ना कि जो नागार्जुन सागर डैम है इज़ लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर डैम इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर है, सेम क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में। यहाँ पे केवल आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है, तो इसलिए आंध्र प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे हीराकुंड डैम के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीराकुंड डैम इज़ ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट
बिल्ट ऑन रिवर महानदी इन उड़ीसा स्टेट। जो हीराकुंड डैम है ये भी एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जिसको कि उड़ीसा स्टेट में महानदी रिवर पर बनाया गया है। हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1948 एंड वॉज कम्प्लीटेड बाई 1957। हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ संबलपुर डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 61 मीटर दैट इज़ 200 फीट इन हाइट एंड 4801 मीटर लॉन्ग मीन्स 4801 मीटर लॉन्ग वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम। ठीक है, हीराकुंड डैम इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 200 फीट यानी अप्रॉक्सीमेटली 61 मीटर और 200 फीट इन हाइट। एंड कितना लंबा है, लॉन्ग कितने मीटर है? 4801 मीटर लॉन्ग है। और ये क्या है? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम। द टोटल लेंथ ऑफ डैम इज़ 25.8 किलोमीटर। ठीक है, जो टोटल लेंथ है हीराकुंड डैम की वो कितनी है? 25.8 किलोमीटर। हीराकुंड डैम इरीगेट अराउंड 10 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ठीक है, हीराकुंड डैम की जो टोटल लेंथ है 25.8 किलोमीटर। ठीक है, हीराकुंड डैम इरीगेट अराउंड 10 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। इसके बाद पहला क्वेश्चन है हीराकुंड डैम से रिलेटेड। ऑन विच रिवर इज़ द हीराकुंड डैम कंस्ट्रक्टेड। हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस रिवर महानदी इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। लेंथ ऑफ द मेन डैम इज़ 4801 मीटर फ्लैंक्ड बाई 21 मीटर अर्दन डाइक्स ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड्स मेकिंग ए टोटल लेंथ ऑफ 25.8 किलोमीटर। द हीराकुंड डैम हैज़ बीन बिल्ट 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम संबलपुर टाउन इन उड़ीसा। इट हैज़ द कैपेसिटी टू इरीगेट अबाउट 10 लाख हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ऑन विच रिवर इज़ द हीराकुंड डैम कंस्ट्रक्टेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन महानदी रिवर द हीराकुंड डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द नेम ऑफ डैम बिल्ड ऑन महानदी रिवर। महानदी रिवर पर कौन सा डैम बनाया गया है? महानदी रिवर पर हीराकुंड डैम बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुंड। अब हम पढ़ेंगे चंबल वैली प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो चंबल वैली प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताया गया है कि चंबल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम जनापाव हिल्स नियर महू इन मध्य प्रदेश। चंबल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम जनापाव हिल्स नियर महो इन मध्य प्रदेश, महो इन MP। इट मीट्स द रिवर यमुना नियर इटावा। चंबल प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। अंडर द चंबल वैली प्रोजेक्ट 3 डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। अंडर द चंबल वैली प्रोजेक्ट 3 डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। फर्स्ट डैम इज़ गांधी सागर डैम, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर डैम इन राजस्थान। उसके बाद थर्ड डैम है जवाहर सागर डैम इन राजस्थान। गांधी सागर डैम प्रोजेक्ट इज़ द फर्स्ट अमंग द 4 चंबल वैली प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जो गांधी सागर डैम है, गांधी सागर डैम इज़ द फर्स्ट अमंग द 4 चंबल वैली प्रोजेक्ट्स। गांधी सागर डैम इज एस्टेब्लिश्ड इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। द हाइट ऑफ गांधी सागर डैम इज 117 मीटर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गांधी सागर डैम वॉज स्टार्टेड इन 1957 एंड कंप्लीटेड इन नवंबर 1960। सेकंड है राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन राजस्थान। और थर्ड है जवाहर सागर डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड 30 किलोमीटर फार फ्रॉम कोटा इन राजस्थान। जवाहर सागर डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड 30 किलोमीटर फार फ्रॉम कोटा इन राजस्थान। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, चंबल वैली प्रोजेक्ट में हमने क्या पढ़ा कि चंबल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम जनापाव हिल्स नियर महो इन मध्य प्रदेश। इट मीट्स द रिवर यमुना नियर इटावा। चंबल प्रोजेक्ट इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। अंडर द चंबल प्रोजेक्ट 3 डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। फर्स्ट डैम इज़ गांधी सागर डैम इन मध्य प्रदेश। सेकेंड डैम इज़
राणा प्रताप सागर डैम इन राजस्थान. थर्ड डैम इज़ जवाहर सागर डैम इन राजस्थान. गांधी सागर डैम प्रोजेक्ट इज़ द फर्स्ट अमंग द थ्री चंबल वैली प्रोजेक्ट्स. गांधी सागर डैम इज़ इस्टेब्लिश्ड इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. द हाइट ऑफ द गांधी सागर डैम इज़ 117 meters. द कंस्ट्रक्शन ऑफ गांधी सागर डैम वॉज स्टार्टेड इन 1957 एंड कम्प्लीटेड इन नवंबर 1960. सेकेंड वन इज़ राणा प्रताप सागर डैम. राणा प्रताप सागर डैम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन राजस्थान. एंड द थर्ड डैम कंस्ट्रक्टेड अंडर द चंबल वैली प्रोजेक्ट इज जवाहर सागर डैम. जवाहर सागर डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड 30 kilometers फार फ्रॉम कोटा इन राजस्थान. जवाहर सागर डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड 30 kilometers फार फ्रॉम कोटा इन राजस्थान. अब सबसे पहला क्वेश्चन चंबल वैली से रिलेटेड, जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है. पहला क्वेश्चन है विच डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द चंबल रिवर. चंबल रिवर पर कौन सा डैम बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा गांधी सागर डैम. चंबल रिवर ओरिजिनेट्स नियर जनापाव हिल्स इन महो इन मध्य प्रदेश. चंबल रिवर मर्जेस विद यमुना रिवर नियर इटावा. उत्तर प्रदेश चंबल प्रोजेक्ट यूपी चंबल प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन चंबल रिवर इज़ ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. क्या लिखा गया है इसमें? ये जो बात है ये लिखी गई है कि इट मर्ज विद यमुना रिवर नियर इटावा इन यूपी. ठीक है, ये क्या है कि जो चंबल रिवर है ये यमुना में मर्ज होती है इटावा के पास, नियर इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है. नेक्स्ट है चंबल प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन चंबल रिवर. जो चंबल प्रोजेक्ट है बिल्ट ऑन चंबल रिवर इज़ ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. ठीक है, किनका जॉइंट प्रोजेक्ट है? राजस्थान एंड मध्य प्रदेश का जॉइंट प्रोजेक्ट है चंबल रिवर प्रोजेक्ट. ठीक है, चंबल रिवर प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द, या फिर चंबल वैली प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द गांधी सागर डैम इन मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर डैम इन राजस्थान, एंड जवाहर सागर डैम ऑल्सो इन कोटा राजस्थान. ठीक है, ये तीनों डैम जो हैं ये चंबल वैली में ही बने हुए हैं तीन डैम. ठीक है, इसी चंबल वैली प्रोजेक्ट के अंडर हैं ये तीनों डैम. पहला है गांधी सागर डैम जो कि मध्य प्रदेश में है, सेकंड है राणा प्रताप सागर डैम, और तीसरा है जवाहर सागर डैम. ये दोनों राजस्थान में है और गांधी सागर डैम MP में है. दिस प्रोजेक्ट सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू ग्वालियर, मुरैना, भिंड, ठीक है, और नागाड़ा एंड मंदसौर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड कोटा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अलवर एंड चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान. सेकंड क्वेश्चन है द बेनिफिट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर शेयर्ड बाय मोर देन वन स्टेट. तो पूछा गया है कि कौन सी ऐसा रिवर वैली प्रोजेक्ट है कि जिसका जो बेनिफिट है वो एक से ज़्यादा स्टेट्स के द्वारा उसका बेनिफिट लिया जाता है. तो पहला है चंबल वैली प्रोजेक्ट. ठीक है, तो चंबल वैली प्रोजेक्ट जैसा कि हमने देखा कि MP और राजस्थान के बीच की क्या है, ये एक जॉइंट वेंचर है और इसमें दोनों ही बेनिफिशियरीज रहते हैं, दोनों ही बेनिफिट उठाते हैं. ठीक है, और जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है इसमें जो मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है. ग्वालियर, मुरैना, भिंड, नागाड़ा एंड मंदसौर डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश है, साथ ही राजस्थान को भी बेनिफिट मिलता है. कोटा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अलवर और चित्तौड़गढ़ हैं राजस्थान में, इन डिस्ट्रिक्ट्स को भी चंबल वैली प्रोजेक्ट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, मीन्स बेनिफिट मिलता है. नेक्स्ट है उसके बाद, तो अभी हमने देखा कि जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है वो बेनिफिट करता है राजस्थान एंड मध्य प्रदेश को, और जो मयूराक्षी प्रोजेक्ट है, मयूराक्षी प्रोजेक्ट किसके द्वारा शेयर्ड होता है? शेयर्ड बाय वेस्ट बंगाल एंड झारखंड. ठीक है, मयूराक्षी प्रोजेक्ट इज़ शेयर्ड बाय वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, वेरियाज हीराकुंड एंड सारावती प्रोजेक्ट्स बेनिफिट उड़ीसा एंड कर्नाटका रिस्पेक्टिवली.
हीराकुंड का बेनिफिट ओनली उड़ीसा उठाता है, ठीक है, ओनली उड़ीसा स्टेट का स्टेट इसका बेनिफिट लेता है, जबकि जो सारावती प्रोजेक्ट है उसका बेनिफिट केवल कर्नाटका स्टेट लेता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ए है चंबल वैली प्रोजेक्ट और बी है मयूराक्षी प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने देखा इसमें पूछा गया था कि मोर देन वन स्टेट जिसका जिस रिवर वैली प्रोजेक्ट का बेनिफिट एक से ज़्यादा स्टेट लेते हैं उसको बताना है। तो चंबल वैली प्रोजेक्ट का जो बेनिफिट है वो दो स्टेट लेते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और मयूराक्षी जो प्रोजेक्ट है उसको शेयर किया जाता है वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में, ठीक है। जबकि जो हीराकुंड है उसका बेनिफिट केवल एक स्टेट उठाता है, उड़ीसा, और जो सारावती प्रोजेक्ट है उसका बेनिफिट मिलता है केवल कर्नाटका को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, चंबल वैली प्रोजेक्ट एज वेल एज कौन सा हो जाएगा, मयूराक्षी प्रोजेक्ट, दोनों ही क्या है, मोर देन वन स्टेट में शेयर करते हैं बेनिफिट को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गांधी सागर डैम इज़ ए पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल प्रोजेक्ट। गांधी सागर डैम इज़ द फर्स्ट ऑफ द फोर चंबल वैली प्रोजेक्ट्स लोकेटेड इन द, वैसे क्या है कि 3 डैम बनाए गए हैं चंबल वैली के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें कि जो गांधी सागर डैम है वो पहला डैम है, जो तीन डैम बनाए गए हैं उनमें से। और गांधी सागर डैम कहाँ पर है, गांधी सागर डैम जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में स्थित है, और द गांधी सागर डैम इज़ लोकेटेड इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बेसिकली हम अगर केवल गांधी सागर डैम की बात करें तो ये क्या है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, लेकिन बाकी जो तीन जो डैम बनाए गए हैं इस जो चंबल वैली प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत, तो वो तीन में से जो दो हैं वो राजस्थान में आते हैं, और जो तीसरा है यानी जिसको हम फर्स्ट कह रहे हैं गांधी सागर डैम, वो कहाँ पर आएगा, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो दो अन्य हैं उसमें एक है राणा प्रताप सागर डैम और दूसरा है जवाहर सागर डैम, और ये दोनों ही कहाँ पर हैं, राजस्थान में हैं। जबकि जो गांधी सागर डैम है, गांधी सागर डैम को इस्टेब्लिश किया गया है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट एमपी में, ठीक है। और जो गांधी सागर डैम है इज़ ए मैसोनरी ग्रेविटी डैम ऑफ 62.17 मीटर हाइट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गांधी सागर डैम स्टार्टेड इन 1957 एंड वॉज कम्प्लीटेड इन 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विद द चंबल वैली प्रोजेक्ट। तो चंबल वैली प्रोजेक्ट से कौन कौन एसोसिएट थे, हमने अभी देखा, पहला था गांधी सागर, ठीक है, पहला था गांधी सागर डैम, दूसरा था राणा प्रताप सागर डैम, और तीसरा था जवाहर सागर डैम, ठीक है। तो राणा प्रताप सागर डैम भी आ जाएगा, जवाहर सागर डैम भी आ जाएगा, और गांधी सागर डैम भी आ जाएगा। और इसमें क्या है, केवल दो ही हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि गांधी सागर डैम और जवाहर सागर डैम, ये दो ही क्या हैं, चंबल वैली प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विद द चंबल वैली प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर चंबल वैली प्रोजेक्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4, गोविंद सागर इज ए मैन मेड रिजर्वायर सिचुएटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो गोविंद सागर इज़ ए मैन मेड रिजर्वायर सिचुएटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, जो कि क्या है, एक मैन मेड रिजर्वायर है जिसको कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। नेक्स्ट है जो गोविंद सागर रिजर्वायर इज़ फॉर्म्ड बाय द भाखड़ा नांगल डैम। गोविंद बल्लभ पंत सागर इज़ ए मैन मेड लेक सिचुएटेड इन द साउदर्न रीजन ऑफ सोनभद्र उत्तर प्रदेश। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो कहाँ पर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर इज़ ए मैन मेड लेक सिचुएटेड इन द साउदर्न रीजन ऑफ सोनभद्र उत्तर प्रदेश, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर इज़ ए मैन मेड लेक सिचुएटेड इन द साउदर्न रीजन ऑफ सोनभद्र उत्तर प्रदेश।
गांधी सागर मध्य प्रदेश एंड जवाहर सागर इन राजस्थान आर एसोसिएटेड विद द चंबल वैली प्रोजेक्ट. गोविंद बल्लभ पंत सागर एक मैन मेड लेक है जो कि उत्तर प्रदेश में जो साउदर्न रीजन ऑफ सोनभद्र है वहाँ पर स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर. ठीक है, एक लेक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिजर्वायर्स इज बिल्ट ऑन चंबल रिवर. तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से राणा प्रताप सागर. ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम इज़ ए ग्रेट मेसोनरी डैम बिल्ट ऑन द चंबल रिवर एट रावत भाटा इन राजस्थान. द हाइट ऑफ राणा प्रताप सागर डैम इज़ 177 feet. इट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1953 एंड राणा प्रताप सागर डैम वॉज इनॉगरेटेड इन 1970. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर, ये जो हमारा कौन सा पढ़ा हमने, चंबल वैली प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होता है. नेक्स्ट है इसके बाद टिहरी डैम प्रोजेक्ट. टिहरी डैम प्रोजेक्ट को भी पढ़ते हैं. ठीक है, टिहरी डैम प्रोजेक्ट कहाँ पर बना हुआ है. द टिहरी डैम प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड भीलांगना रिवर नियर टिहरी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड. द टिहरी डैम प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड भीलांगना रिवर नियर टिहरी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टिहरी डैम प्रोजेक्ट इज स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा वाटर ऑफ भीलांगना एंड भागीरथी रिवर फॉर इरीगेशन फ्लड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. टिहरी डैम प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड इन 1972 बाय द प्लानिंग कमीशन बट द वर्क ऑन टिहरी डैम प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 5 अप्रैल 1978. फॉर टिहरी डैम प्रोजेक्ट THDC टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड. टिहरी डैम प्रोजेक्ट इज़ द हाइस्ट डैम ऑफ इंडिया. ठीक है, टिहरी डैम प्रोजेक्ट इज़ द हाइस्ट डैम ऑफ इंडिया. इसकी हाइट कितनी है टिहरी डैम की 260.5 meters. ठीक है, टिहरी डैम प्रोजेक्ट इज़ द हाइस्ट डैम ऑफ इंडिया और इसकी हाइट है 260.5 meters. द मेन रीज़न फॉर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टिहरी डैम प्रोजेक्ट इज़ इट्स एसोसिएशन टू अर्थक्वेक प्रोन एरिया डैमेज ऑफ इन्वायरमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल. इट इज़ द हाइस्ट डैम ऑफ इंडिया 260.5 meters. द मेन रीज़न फॉर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टिहरी डैम प्रोजेक्ट इज़ इट्स एसोसिएशन टू अर्थक्वेक प्रोन एरिया डैमेज ऑफ इन्वायरमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लेते हैं. टिहरी डैम से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, टिहरी डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन उत्तराखंड ऑन विच रिवर. टिहरी डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन उत्तराखंड ऑन भीलांगना रिवर, भीलांगना एंड भागीरथी रिवर. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि टिहरी डैम प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड भीलांगना नियर टिहरी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टिहरी डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन भागीरथी रिवर. ठीक है, मेनली हम क्या लेते हैं, भागीरथी रिवर को लेते हैं. ठीक है, टिहरी डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द भागीरथी रिवर इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. भीलांगना रिवर फ्लोज इनटू भागीरथी एट ओल्ड टिहरी बिफोर द साइट ऑफ टिहरी डैम. ठीक है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट आर इम्पाउंड फ्लड वाटर्स ऑफ द भागीरथी एंड द भीलांगना रिवर इंटू ए लार्ज रिजर्वायर बिहाइंड द डैम. जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इरीगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. द प्रोजेक्ट वॉज क्लियर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 1972 बट कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन April 5, 1978. क्वेश्चन क्या था, टिहरी डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन उत्तराखंड, कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है. टिहरी डैम मेनली जो बनाया गया है भागीरथी रिवर पर. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन भागीरथी रिवर. टिहरी डैम ऑन भागीरथी रिवर, इसको ध्यान रखिएगा. टिहरी डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द भागीरथी रिवर इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. भीलांगना रिवर फ्लोज इनटू भागीरथी एट ओल्ड टिहरी बिफोर द साइट ऑफ टिहरी डैम. द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द टिहरी डैम प्रोजेक्ट आर टू इम्पाउंड फ्लड वाटर्स ऑफ द
Bhagirathi and the Bhilangana rivers into a large reservoir behind the dam, generation of hydroelectricity and irrigation of agricultural land. The project was cleared by the Planning Commission of India in 1972, but construction started on 5 अप्रैल 1978. तो टिहरी डैम कौन सी रिवर पे बना हुआ है? मेनली टिहरी डैम भागीरथी रिवर पर बना हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड. तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी एंड भीलांगना रिवर. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड. तो क्या था इसका आंसर? भागीरथी और भीलांगना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? भागीरथी. तो भागीरथी आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया है, टिहरी डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन. टिहरी डैम कौन सी रिवर पर बनाया गया है? तो टिहरी डैम बनाया गया है भागीरथी रिवर पर. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? गंगा रिवर दिया गया है. तो जो गंगा रिवर है उसका पहले नाम क्या होता है? भागीरथी ही होता है अपने सोर्स पे. ठीक है, टिहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द भागीरथी सोर्स ऑफ गंगा. ठीक है, तो मेनली क्या हो जाएगा? भागीरथी होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो हम उसको गंगा रिवर कर सकते हैं. टिहरी डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द भागीरथी सोर्स ऑफ गंगा, जो कि क्या है? गंगा का सोर्स है भागीरथी. सिंस भागीरथी इज़ नॉट गिवन इन द ऑप्शन, द करेक्ट आंसर वुड बी गंगा. ठीक है, गंगा लगा सकते हैं क्योंकि जो भागीरथी है वो गंगा की क्या है? ओरिजिनल स्ट्रीम है. पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. इन द गिवन फिगर द साइट ऑफ द टिहरी डैम हैज़ बीन लेबल्ड. ये टिहरी डैम की साइट दी गई है इस फिगर में, और इसमें ए बी सी डी इस तरीके से बनाया गया है. तो इसमें क्या करना है हमको? इसमें से बताना है कि जो टिहरी डैम की साइट है वो इसमें से कहाँ पर है. ठीक है, ये हमको बताना है. ए बी सी डी करके ये रीज़न बनाए गए हैं. तो साइट ए डिपिक्ट्स भागीरथी, जो साइट ए है वो डिपिक्ट करती है भागीरथी रिवर को. साइट बी डिपिक्ट्स भीलांगना रिवर, एंड साइट सी डिपिक्ट्स द कन्फ्लुएंस ऑफ द भागीरथी एंड द भीलांगना रिवर ऑन विच टिहरी डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, जो मैप में आपको फिगर में जो साइट ए दिखा, साइट ए लिखा है जहाँ पर, वो डिपिक्ट करता है भागीरथी रिवर को. साइट बी जो है जहाँ पे लिखा है, बी डिपिक्ट करता है भीलांगना रिवर को. और सी जहाँ पर है वो डिपिक्ट कर रहा है कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड द भीलांगना रिवर. और यहीं पर क्या होगा? टिहरी डैम कंस्ट्रक्टेड किया गया था. ठीक है, ऑन विच टिहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड, ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड भीलांगना रिवर. ठीक है, तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं. अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.